नमस्कार प्राइम न्यूज 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं अक्रमण जादौन और खबर शामली उत्तर प्रदेश से है। महिला दरोगा ने कैराना कोतवाल पर लगाए गंभीर आरोप। कैराना कोतवाली में तैनात एक महिला दरोगा ने कोतवाली प्रभारी पर ड्यूटी के दौरान उत्पीड़न करने का आरोप गंभीर लगाते हुए पुलिस अधिकारियों से शिकायत की है। महिला दरोगा के इस उत्पीड़न संबंधी आरोप का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिससे हड़कंप मच गया है। मामला बढ़ने पर एसपी शामली नित्यानंद राय ने सीओ कैराना को इस मामले की जांच सौंप दी है। जानकारी के अनुसार कैराना कोतवाली में तैनात महिला दरोगा एंटी रोमियो सेल की प्रभारी भी है, मगर उनका आरोप है कि खुद उनके विभाग से जुड़े कैराना कोतवाल उन पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के साथ साथ ड्यूटी के बहाने उत्पीड़न कर रहे हैं। महिला दरोगा का कहना है कि उनकी कांडला थाने से 25 जुलाई को कैराना कोतवाली में पोस्टिंग हुई थी, तभी से कोतवाली प्रभारी द्वारा अनुचित बातों और ड्यूटी के लिए उनके ऊपर अनावश्यक रूप से दबाव बनाया जा रहा है। आरोप लगाया कि कोतवाल की बात नहीं मानने पर बैड एंट्री या उल्टी रपट दर्ज करा दी जाती है। मामला बढ़ जाने के बाद अब एसपी शामली नित्यानंद राय ने इस मामले की जांच सीओ कैराना को सौंप दी है। उधर इन आरोपी की बात जब कोतवाली प्रभारी के मोबाइल पर संपर्क कर उनका पक्ष जानने का प्रयास किया गया तो उनका फोन स्विच ऑफ पाया गया। मंगलवार शाम एसपी आवास पर अपनी पीड़ा सुनाने पहुंची महिला दरोगा ने कहा कि मैं एंटी रोमियो प्रभारी हूं, हर रोज स्कूलों कॉलेजों के साथ साथ दूसरे स्थानों पर जाकर छात्राओं और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने व उनके सशक्तिकरण को मेरे द्वारा जागरूक किया जा रहा है, मगर खुद अपने विभाग के अधिकारी द्वारा मेरा उत्पीड़न किया जा रहा है। अब ऐसे हालात में कैसे आप किसी को आत्मनिर्भर बनने और सशक्त होने की सीख दे सकते हैं। जागरूकता कार्यक्रम में मेरे योगदान को लेकर जिलाधिकारी के साथ साथ कॉलेजों के संचालकों द्वारा भी मुझे सम्मानित किया जा चुका है, मगर मेरा दिल जानता है कि इस उत्पीड़न से मैं अंदर से खुद कितनी टूट चुकी हूं। पीड़ित महिला दरोगा का कहना है कि वह मानसिक रूप से इस कदर परेशान हो चुकी हैं कि कभी भी कोई आत्मघाती कदम उठा सकती हैं। उनका कहना है कि इन सब बातों को सार्वजनिक इसलिए किया जा रहा है ताकि लोगों को मेरे साथ अगर कोई अनहोनी हो जाए या वे खुद को खत्म कर लें तो इसकी वजह लोगों को मालूम होनी चाहिए। इधर उधर की बातें करने की वजह इस हकीकत को जानने की इन परिस्थितियों के चलते उन्होंने ऐसा कदम उठाया। प्राइम न्यूज 24 के लिए ब्यूरो की रिपोर्ट। अच्छा अंजू, आप एसपी से मिलने के लिए आए हैं, क्या मामला है? जी जो एसएचओ प्रेमवीर राणा है जी, थाना प्रभारी कैराना जी, उनके द्वारा मुझे परेशान किया जा रहा है अनावश्यक रूप से, जबकि मैं अपनी ड्यूटी भी टाइम पे करती हूँ, सारे काम टाइम पे करती हूँ। अगर मैं उनकी कोई वैसी बात नहीं मानती हूँ तो मेरी रपट लिखवा देते हैं, अनावश्यक रूप से मेरे ऊपर दबाव बनाते हैं। उनके साथ में भी विवादों में रहे हैं प्रेमवीर राणा जी, उनका जो एक ऑडियो भी वायरल हुआ है आपको गाली देते हुए कि पहले जो थानादार थे वो इस तरीके से थाना चलाते थे, तो उन पे भी तो आरोप लग रहे हैं ना पहले थानेदार पे? आरोप लगे हैं उन पे भी, ये जानकारी है मुझे, लेकिन जो मेरे साथ हो रहा है, कम से कम जो लड़की दूसरों को शिक्षा दे रही है, प्रभारी मुझे अवार्ड भी मिले हैं इसी उसमें कि नारी शक्ति में अच्छा काम कर रही हो वीडियो